यहाँ पर जो आज ये 19th इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स मीट है, जूनियर एथलेटिक मीट, और ये वन ऑफ दी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन बच्चों के लिए जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर आ रहे हैं, और वन ऑफ दी बिगेस्ट इवेंट है इन द वर्ल्ड। अगर बात करें, मोर देन 7000 एथलीट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। सो एक बहुत ही जी ज़्यादा पॉजिटिव वेव्स है, सभी एथलीट बहुत ज़्यादा मोटिवेट है यहाँ पर एक अपनी परफॉर्मेंस को देने के लिए, और एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी होगा इसके थ्रू, जिससे जो हमारे कंट्री के जो बेस्ट जो एथलीट्स होंगे उनका सिलेक्ट होगा और उनके लिए अलग से कोचिंग कैंप्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। तो उसके लिए भी हमारे जो एथलीट्स है वो बिल्कुल रेडी है, और एज ए कोच अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि ग्रास रूट लेवल से जो हम बच्चों को ला रहे हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पर एक ऐसा चांस मिल रहा है। तो बहुत ही है सर, सबसे पहले मैं गुजरात गवर्नमेंट का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को या जिन्होंने हम लोगों को ये चांस दिया यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। और गुजरात मैं जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंटर हुए, एक ग्रैंड वेलकम हम लोगों को दिया गया, उसके लिए थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। और जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, स्पेशली गुजरात गवर्नमेंट से चीफ मिनिस्टर साहब है और जो भी हमारी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी मीट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ग्रैंड वेलकम किया जिससे 2036 के लिए जो हमारे जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं यहाँ पर हमारे इंडिया में जो हम लोग देने वाले बिट के लिए, तो हम लोग रेडी है सर, एज ए कोच भी रेडी है और हमारे प्लेयर्स भी रेडी है 2036 के लिए। हमें यहाँ से बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो मिलने वाले हैं अभी नेक्स्ट 3 डेज में। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं और जिनका पैशन है स्पोर्ट्स के लिए। मैं स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहती हूँ आगे, अपने पैशन को फॉलो करना चाहती हूँ।